पेरिस ओलंपिक से डिसक्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट आज शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूर्व होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन में शामिल होंगी। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहां बैठे 200 दिन हो गए, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। इससे पहले विनेश परिवार के साथ अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंची। यहां उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विनेश को गोल्डन टेंपल का मॉडल देकर सम्मानित किया। लोग बैठे हैं, दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से।